के मुख्य विधायक, प्रदेश के कद्दावर नेता भाई सज्जन सिंह जी, मंच पर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण और इस चुनावी सभा में मौजूद हजारों की तादाद में मेरे नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, 17 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव है। आपको अपने 5 साल का भविष्य तय करना है। मध्य प्रदेश के लोगों की दिशा और दशा, इसका निर्णय आप लोगों को करना है। और जमहूरियत में, लोकतंत्र में ये अधिकार आप लोगों के पास है। लगभग 2 दशक से यहाँ भाजपा का शासन रहा और लगभग 1 दशक से दिल्ली में बीजेपी का शासन। आप लोगों को आकलन करना है कौन से लोग, कौन सी विचारधारा, कौन से नेता, कौन से प्रतिनिधि आपके अपने हैं, आपके दुख सुख के भागीदार हैं, और कौन वो लोग हैं जो छल कपट कर पाखंड कर ड्रामा कर भाषण देकर आप लोगों का वोट ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और बार बार कहा जाता है डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन, यही बोलते हैं सब लोग। मेरा डबल इंजन हिमाचल प्रदेश में था, वहां प्रियंका जी, राहुल जी, हम सब ने कैंपेन किया। जनता ने वहां पर हिमाचल प्रदेश में 1 इंजन सीज कर दिया। दूसरा इंजन कर्नाटक में था, कर्नाटक में भी डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन, वहां पर हम सब ने प्रचार किया और प्रचंड बहुमत लेकर सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई। वो इंजन भी सीज हो गया। अब आप लोग ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बना दो, दिल्ली वाला इंजन भी फेल हो जाएगा बीजेपी का, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। आपके बीच में सज्जन वर्मा जी ने कांग्रेस का संकल्प बताया। जो चिंता हमारे जहन में रहती है, किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, किसानी की, बिजली की, तेल की, खाद की, बीज की, उसके बारे में हम क्या करेंगे अगले 5 साल में, वो सब आपके बीच में बताया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के साथियों से, आपको 20-20 साल का समय दिया, 10 साल में केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी रही, क्या आपने किसानों की आमदनी दुगनी करी? यहां पे कितने किसान बैठे हैं, किसकी आमदनी दुगनी हो गई है? इन्होंने वादा किया था विदेशों में जो काला धन है उसको वापस लाकर आप सबके खातों में डाल देंगे। आप में से कितनों के खातों में काला धन वापस आ गया मुझे बता दो। 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, ये सारे वादे करने के बाद सत्ता में बोलो भाई। और आज लगभग 10 साल हो गए, इनसे पूछो टमाटर, प्याज, चाय पत्ती, तेल, साबुन, इनके दाम बढ़ रहे हैं, तो जवाब आता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आप लोग साहब, किसान परेशान है, खाद नहीं है, बिजली नहीं है, बीज नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है, तो बोलते मंदिर और मस्जिद। ये देखिए इनके पास वही डायलॉग है, धर्म की बात, जाति की बात, बिरादरी की बात, गोत्र की बात, मंदिर की बात, मस्जिद की बात। कांग्रेस के लोग बोलते हैं नौजवानों की बात करो, रोजगार की बात करो, निवेश की बात करो, उद्योग की बात करो, किसानों की बात करो, चिकित्सा की करो, सड़कों की करो, कारखानों की करो, हम विकास चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। लेकिन सज्जन वर्मा जी के इस क्षेत्र में जो लगाव मैंने देखा है, जो जोश आप लोगों का देखा है, मैं दावे से कह सकता हूं कि 17 तारीख को प्रचंड बहुमत देकर सोम कच्छ में सज्जन भाई जीत कर जाएंगे। और मेरी बात सुनो, सज्जन भाई तो सुना जीत जाएंगे, लेकिन अरमा एक मत रखो, अरमा बहुत सारे होने चाहिए, अरमा ये होना चाहिए कि हमारा नेता जीत कर जाएगा तो भोपाल में अपनी बड़ी ताकत उनको मिलेगी, पूरे क्षेत्र का विकास कर सके। आप एक विधायक को नहीं जिता रहे हो, आपका वोट एक एमएलए को नहीं बना रहा,
आपका वोट एक ऐसे नेता को ताकत दे रहा है जो मध्य प्रदेश भोपाल में बैठकर अपना डंडा चलाएगा वहां भोपाल से। बात याद रखना, विधायक बहुत बनेंगे, उम्मीदवार बहुत सारे हैं, लेकिन आपके बीच में जो व्यक्ति आप यहाँ चुनाव लड़ रहा है, आप सौभाग्यशाली लोग हो, वो कर्मठ व्यक्ति, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जिनको मैं कई सालों से देख रहा हूं। लेकिन एक बात मुझे सचिन भाई से पूछनी पड़ेगी, 20 साल से मैं देख रहा हूं, ना तो वजन बढ़ता है क्यों भाई, ना उम्र बढ़ती है, तो मैं तो इनसे पूछने वाला हूं ये कौन सी चक्की का आटा खाते, मुझे बता दो। ये सजन भाई का कमाल है कि 25 साल से अगर फोटो लगाओ ना, 25 साल पुराना और अभी का पता ही नहीं पड़े कौन से साल की फोटोग्राफ। ये सब आप लोगों के देन है, मजबूती के साथ तन मन धन से समर्पित होकर इस क्षेत्र का विकास उन्होंने किया है। सत्ता में हो या ना हो, लेकिन जनता की आवाज बनना, समर्पित भाव से काम करना और डंके की चोट पर राजनीति करना, ये सजन वर्मा की खासियत है। और इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ, 3600 बिरादरी के लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे यहाँ भी चुनाव चल रहा है राजस्थान के अंदर। मैं सारे काम छोड़कर आज हमकच क्यों आया, मैं इसलिए आया हूँ कि जीत तो आप करा दोगे, लेकिन इतनी मोटी जीत कराना कि सब लोगों को लगे कि सोनगंज के लोगों को हमको आगे से आदर सम्मान कर उनको भोपाल में जिम्मेदारी देनी है, मजबूत जिम्मेदारी देनी है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं, उनके प्रचार में दम नहीं, और आज गोपेश्वर धाम के दर्शन मैंने करे, मैं तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोगों की वजह से मुझे आने का मौका मिल गया। यहाँ जाकर हमने जो आशीर्वाद मांगा इस क्षेत्र की, प्रदेश की भलाई के लिए, राजस्थान में भी इस बार साथियों 30 साल से हमारे प्रदेश में हमेशा 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ये परंपरा चलती आ रही है, लेकिन इस बार लोगों ने मन बनाया है कि बीजेपी को बहुत देख लिया हमने, छप्पर फाड़ के बहुमत दे लिया कई बार, लेकिन एक काम करने वाले लोग नहीं है। इसलिए राजस्थान में भी इस बार भगवान ने चाहा तो दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पहले मतदान होगा, तो यहाँ की जो हवा है धीरे धीरे राजस्थान में जाएगी, आंधी राजस्थान में आने वाली है और हम लोग सरकार बनाएंगे वहां पर। और आप सब लोगों से निवेदन है साथियों, अभी कमर कस लो, ये भाजपा वाले सब तरह के हथकंडे अपनाएंगे, 17 तारीख में बहुत समय नहीं बचा, 2-3 दिन का समय बचा है, आप सब लोगों को सजन सिंह वर्मा बनकर अपने अपने बूथों पर रहना है, हमारा जितना वोट पड़ेगा पेटी में उतनी हमारी ताकत बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इस इतने बड़े हवन में आपकी आहुति पड़ेगी, तभी मैं कहूंगा मेरा यहाँ पे आना साकार हुआ। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो सब लोग दोनों हाथ लेकर के बता दो कि सजन भाई को भारी बहुमत से जिताएंगे। देखो सजन वर्मा जी भी बहुत पुराने खिलाड़ी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इनकी कबड्डी कुश्ती काम आएगी और आप लोगों के सारे अरमान पूरे होंगे, पूरे विकास जो आप तक नहीं देख पाए वो पूरे विकास होंगे। मेरे साथ जोरदार नारा देना ताकि पूरे क्षेत्र को पता पड़ जाए कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत लेकर जीत रही है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, जोर से बोलना है इस बार, कांग्रेस पार्टी। ये आखिरी वाला नारा ये भोपाल तक जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब। अब है प्रसंग अध्यक्ष गोपाल राज जी।